ओम शांति। रक्षाबंधन पर्व की आप सभी भाई बहनों को ब्रह्मा कुमारी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। एक नया एहसास जगाकर जीवन दिव्य गुणों से सजाएं, रिश्तों में सद्भाव जगाकर आओ राखी पर्व मनाएं। बड़े हर्ष उल्लास उमंग उत्साह के साथ बीती कई सदियों से इस पवित्र त्यौहार को हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाते आ रहे हैं। तिलक लगाना, राखी बांधना, मुख मीठा कराना, उपहार देना, ऐसी कई सुंदर विधियों से सुसज्जित इस त्यौहार की अपनी एक अनोखी छवि है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज की युवा पीढ़ी के मन में कई प्रकार के प्रश्नों की गुत्थियां उलझी रहती है कि ये त्यौहार, ये रीति रस्म, ये रिवाज आदि हम क्यों मनाते हैं। इन प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे सुशिक्षित आध्यात्मिक परिवार से और सुनते हैं उनके विचारों को। परंतु इसके पहले रक्षाबंधन पर्व पर एक बहुत सुंदर सा गीत वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे और सुनेंगे, जिसमें छोटे बच्चों की पवित्र और निश्चल भावनाएं समाई हुई है। जिस गीत को गाया है प्रसिद्ध गायक हरीश मोयल और प्रीता मजुमदार जी ने, सुनते हैं और देखते हैं। पवित्र प्रेम का हो संचार, आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार, आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। राखी का त्योहार सम्मान की गरिमा जिसमें चंदन तिलक हो खुशबूदार, दृढ़ता की भी गांठ हो जिसमें संकल्पों में शक्ति अपार, संबंधों में संवेदना हो, संबंधों में संवेदना हो, माधुर्य में हो व्यवहार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। हाँ, राखी का त्योहार। वरदानों से भरी हो वाणी, दुआ की दौलत हो बेशुमार, राखी का त्योहार। भावनाओं के
सुगंध हो जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। मन की भावनाओं को जगाने वाला अभी बहुत ही सुंदर गीत हम सब ने सुना और मैं तो जैसे अपने बचपन में खो ही गया। क्यों मोनिका, क्यों मम्मी? बिल्कुल बचपन में बहुत ही प्यारा गीत था और सचमुच हम तो तुम्हारी वो पहली रक्षाबंधन तक पहुंच गए जब पहली बार मोनिका ने तुमको राखी बांधी थी। अभी तुम बहुत छोटे थे, देखो कैसे दादा दादी बुआ चाचा गोद में लेकर राखी बंधवा रहे हैं। सच में कितना आनंददायक ये त्यौहार है और खुशियों से ही हमारा जीवन सदा भरा रहे, यही भारतवर्ष की सुंदरता है, यही हमारे देश की बहुत सुंदर ब्यूटी है। दोस्तों, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ हर वर्ष हर महीना हर दिन एक नया त्यौहार है। हम त्यौहारों को स्थूल रूप से तो मनाते ही हैं लेकिन हर त्यौहार के पीछे एक सुंदर भावना, एक सुंदर कहानी, एक ऐतिहासिक घटना छुपी होती है और अगर हम उसकी गहराइयों में जाएं तो हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर किताब खोल कर रखती है, हमारे मन की भावनाओं को जगाती है, हमको प्रेरणादायी जीवन की तरफ ले जाती है। ऐसा ही एक त्यौहार हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है। दोस्तों, सावन के महीने के अंदर पूर्णिमा के दिन पर ये जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं ये बहुत ही पवित्र बंधन है, भाई बहन के प्यार की कहानी को ये हमारे समक्ष रखता है। तो आज हम इन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे। आज मोनिका, आपने हमें इतनी सुंदर राखी बांधी और इस राखी को मैं देखकर सोच ही रहा था कि पिछले 46 वर्षों से आप मुझे ऐसी राखी हर साल बांधती हैं और मम्मी आप इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ भी हमारे लिए बनाती हैं। हम हर साल नई नई मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए प्रकार की राखियाँ बांधते हैं और हमें अनेक अनेक प्रकार के तिलक भी लगाए जाते हैं। कभी लाल तिलक लगाया जाता है, कभी चंदन का तिलक लगाया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप मुझे तिलक लगाते हैं तो ये तिलक का क्या मतलब है, क्यों एक बहन जो है वो भाई को तिलक लगाती है? बहुत सुंदर बात भैया आपने करी। वास्तव में ये तिलक का बहुत श्रेष्ठ महत्व है, ये आत्मस्मृति का सूचक है। आत्मस्मृति में जब हम इस तिलक को देते हैं तो वास्तव में जब भी कोई वीर पुराने ज़माने में जब युद्ध के लिए जाता था तो उसको विजय का ये सूचक तिलक दिया जाता था और ये प्रतीक है कि हम हमारे अंदर जो चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा है हम उसको भूल गए। और जैसे ही हम उस चीज़ को भूल गए कि मेरी ओरिजिनलिटी क्या है तो भगवान स्वयं आकर के हमारे अंदर वो आत्मस्मृति का तिलक देते हैं और हमें कहते हैं कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं, तुम इसके अंदर विराजमान वो चैतन्य सत्ता आत्मा हो। जब हमें ये ज्ञान मिलता है तो हमें ये भी समझ में आती है कि आत्मा सतोगुणी है। इट हैज़ 7 वर्च्यूज, सुख शांति आनंद, ये हमारा ओरिजिनलिटी है। तो जब भी हम ये तिलक देते हैं इसका सिंपल अर्थ ये है कि मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाऊं। तो जैसे ही मतलब तिलक लगाया गया तो हमारी सतोगुणी आत्मा के सातों गुण हमारे सामने
आ जाते हैं। ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, प्यार है, खुशी है, आनंद है, सारे गुण हमारे सामने। और यही नहीं, इस पे फिर आप देखिए, हम ये अक्षत भी लगाते हैं जिसको चावल का दाना वास्तव में दिखाते हैं। ये भी आपने लगाया? ये भी लगाया। इसका अर्थ है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अर्थात आत्मा इज इमॉर्टल इटर्नल बीइंग, जिसको कभी क्षति नहीं होती। वास्तव में आप देखो, देह को हम जलाते हैं लेकिन आत्मा सदैव अजर और अमर है। तो ये तो कितनी सुंदर बात और है। ये विराजमान भी भ्रिकुटी के मध्य, इसीलिए तिलक भी यहीं दिया जाता है। और मोनिका, इसके दो, जैसे आपने आज लाल लगाया, कई बार हम चंदन का भी तिलक देते हैं, तो लाल तिलक प्रतीक है गोल्डन रेड लाइट का, शक्ति का प्रतीक है। और जब हम चंदन का तिलक देते हैं, ये आत्मा के शीतलता के गुण को, तो आत्मा शीतल भी है उतनी ही आत्मा शक्तिशाली भी है। वैसे भी चंदन को बहुत ठंडा भी माना जाता है, तो तभी शीतलता की बात कही आपने। ये तो मुझे पता ही नहीं था, हम तो बैठ जाते थे हर साल और बट फटाफट तिलक लगा और राखी बंधी और मिठाई खाई और चल दिए। तो जब भी हम तिलक लगाएं तो अपनी आत्मिक स्मृति को हम जागृत करते हैं, अपने सत्य स्वरूप को हम लोग पहचानते हैं। अच्छा, तिलक के साथ साथ फिर आप हमें राखी बांधते हैं और आजकल के बच्चे, एक और बात मैं इसके साथ आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल तो हम इसको खाली भाई बहन के रिश्ते में बांधते हैं, लेकिन अगर आपने बचपन में कथा पढ़ी हो कि जब राजा इंद्र अपना हार गए थे सारा राजपाट, तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनको फिर से उनका स्वराज्य वापस लाने के लिए ये विजय का तिलक उनको दिया था। तो ये वो पवित्र बंधन है, ये वो पवित्र टीका है जो हमें स्मृति दिलाता है कि जब हम अपनी आत्मिक स्मृति में टिकते हैं तो अपना स्वराज्य भाग्य खोया हुआ और अपना विश्व का राज्य भाग्य वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आज की अगर परिपेक्ष में देखें कि हर मानव, हर देश के अंदर अलग अलग प्रकार के जो विकार सर्वव्यापी हो चुके हैं, आज मानव दुख से, अशांति से पीड़ित है, तो इसका कारण तो यही हुआ ना कि हम अपने आत्मा के जो निजी गुण हैं, जो हमारा सत्य स्वरूप है, उसको हम लोग भूल चुके हैं। उसकी विस्मृति हो गई है, उसकी विस्मृति हमको हो गई है। और उसी की स्मृति जब हमको दोबारा आती है, ये तिलक हमको वो स्मृति दोबारा दिलाता है, तो हम अपने उसी खोए हुए स्वराज्य को प्राप्त करते हैं। और स्वराज्य अर्थात जो आपने समझाया कि अपना स्वयं का राजा हम लोग पहले बनते हैं। और जब हम स्वयं के राजा बनते हैं तभी हम विश्व के महाराजा बनने के लायक बनते हैं। ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चे आजकल अलग अलग प्रकार की राखियाँ बांधते हैं। पुराने ज़माने में तो मुझे ध्यान है आप ही बताते थे कि ब्राह्मण आते थे और पहले ब्राह्मणों को घर पर बुलाया जाता था, आरती होती थी, पूजा होता था, पाठ होता था, कथा होती थी और वो पहले स्वयं को राखी वो बंधवाते थे। आज भी कहीं कहीं ये चलता है। और उसी के बाद फिर वो अपने जजमानों को राखी बांधते थे और फिर ये भी कहते थे कि भगवान आपकी रक्षा, भगवान आपकी रक्षा। लेकिन वो राखी पहले तो एक धागे के रूप में होती थी और अब तो डिजाइनर राखियां हैं, मॉड्यूलर राखियां हैं, हम देखते हैं कि भाई ये सोने की, ये चांदी की, इसके ऊपर ऐसा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये धागा भी कुछ ना कुछ जरूर किसी बात का सूचक होगा। तो मोनिका, ये धागा किस बात का सूचक है? भैया, बड़ी अच्छी बात है कि देखो, वास्तव में आज के जमाने में कोई भी बंधन में बंधना नहीं चाहता, पर ये जो रक्षा बंधन का ये जो धागा है, इसकी इतनी मान्यता है कि जिस भाई की बहन नहीं वो अपनी बहन ढूंढ लेता है, और जिस बहन की भाई नहीं होता वो भी कोई ना कोई भाई लेकर के ज़रूर राखी बांधती है। और ये इतना सुंदर और प्यारा संबंध है कि जिसमें हम ये धागा बांधते हैं। अब ये धागा जो है, ये प्रतीक है वास्तव में हमारी प्रतिज्ञा का। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव पवित्र रहेंगे। पवित्रता किसका प्रतीक है? इट्स अबाउट गोइंग बैक टू माय ओरिजिनलिटी, अपने सत्य स्वरूप में टिकना, ये वास्तविक पवित्रता गाई हुई है, मन की पवित्रता। आज हम भाई बहन मिलते हैं पर क्या हमारे संबंध में उतना प्यार है? एम आई रियली ट्रू टू माई यू नो रिलेशन? दैट इज वॉट दिस सिग्निफाइज। मतलब सत्य पवित्रता का जो ये धागा है, ये हम
कलाई पर बांधते हैं। और इसकी आज सूचक ये दिखाया है कि कोई टॉफी की राखी, कोई डिज़ाइनर राखी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की राखियाँ लोग बांधते हैं। आप क्या कहेंगे मम्मी? हाँ, ये दो साधारण धागे नहीं हैं, इन धागों का बहुत अनमोल मोल है। क्योंकि जब भी धागा बांधा जाता है, माना कोई प्रतिज्ञा ली जाती है, तो इस त्यौहार पर विशेष, क्योंकि ये पवित्रता का बंधन है, भाई बहन के रिश्ते का बंधन है, तो इसमें जो बहुत गहन महत्व है प्योरिटी का है। और ये संकल्प बहन अपने भाई से लेती है कि जब हम जीवन में संपूर्ण प्योरिटी को धारण करेंगे, पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा के लिए बांधे हुए हैं। और पवित्रता के साथ साथ समर्पणता तो स्वतः ही आती है। और आपने जैसे ये बात कही तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी भी ध्यान आ गई, जिसमें ये बताया जाता है, पौराणिक हिसाब से अगर देखा जाए, कि द्रौपदी जो है वो श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी और उनको हर साल राखी भी बांधती थी। लेकिन कहा जाता है कि एक बारी श्री कृष्ण को कुछ थोड़ी सी चोट लग गई, उनका खून बह रहा था, तो उन्होंने फटाफट अपने दुपट्टे से एक कपड़ा फाड़ा और उसको फाड़ कर उनकी पट्टी कर दी। और श्री कृष्ण इसको देखकर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने मन ही मन कहा कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं सदा तुम्हारे पास रहूँगा। और जब द्रौपदी का चीरहरण जैसे वो दिखाते हैं, तो उनके पति, उनके पाँचों पति वहाँ पर थे, लेकिन वो समक्ष होते हुए भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। और श्री कृष्ण ने आकर उस पुरानी बात को ही स्मृति में रखकर उनके चीरहरण को कभी भी उन्होंने बिल्कुल उनकी, जिसे कहें हम, रक्षा करी उनकी और उसको पूर्ण नहीं होने दिया। बहुत संपूर्ण रूप से अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने निभाया। और आज अगर हम देखें तो आज के मानव की भी यही हालत है कि सब कुछ ये धागा तो हम बांध लेते हैं, लेकिन पवित्रता जीवन में ना होने के कारण कहीं ना कहीं मानव जीवन दुख और अशांति से भर गया है, परिपूर्ण हो गया है। आज के यदि हम इस समय को ही ले लें, कैसा समय आ चुका है, जहाँ घोर प्राकृतिक आपदाएं हैं, जहाँ आपसी मानव एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ऐसे समय पर क्या रक्षा नहीं होगी? कौन रक्षक है? क्या भाई अपनी बहन के पास पहुंच सकता है, या कोई और संबंधी उसकी आकर के रक्षा कर सकता है? आप सभी ने देखा होगा कि इस कोरोना काल में कैसे कैसे लोग अस्पतालों में पड़े हैं, लेकिन आज उनके संबंधी तक भी उनके पास नहीं पहुंच सकते। और हर मानव भगवान से ही गुहार लगाता है। तो आप बताओ मोनिका, आप कभी कभी देखो, मैं ये भी समझती हूँ कि कई बारी बहन बहुत बड़ी होती है, बहन 18 साल की है और भाई एक साल का। हाँ, तो मानो एक इतना छोटा भाई जिसको शायद ये भी नहीं समझ कि ये राखी क्या है, ये क्यों बांध रहे हैं मुझे, वो बस प्यार में हाथ आगे करा, मम्मी ने हाथ से बंधवा भी दी, बट वास्तव में इतना छोटा भाई कैसे रक्षा करेगा? तो इसका अर्थ इस समय स्वयं परमात्मा बाप आकर के हमको सिखाते हैं कि बच्चे, जब हम श्रेष्ठ धारणा अपने अंदर करते हैं, जब हम ये इस प्यार भरे बंधन में, प्यार और सत्यता के और पवित्रता के बंधन में जब हम बंधते हैं, तो भगवान, जैसे अभी आपने कहा ना कि उसने द्रौपदी की रक्षा करी, इसका अर्थ क्या है? अर्थात भगवान, जो बच्चे कहते हैं कि हम सदा सत्य धर्म की धारणा करेंगे, सदा पवित्र रहेंगे, तो भगवान कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बांधा हुआ हूँ। मतलब, तो ऐसे समय में जब घोर कलयुग है, तब स्वयं परमात्मा कहता है कि बच्चे, एक तिनके का भी सहारा है, और वो तिनका क्या है? प्योरिटी। वो पवित्रता का जो धागा है, आज हर भाई हर बहन अपने कंगन पर बांधना चाहता। और तभी कहा भी जाता है कि विश्व का परिवर्तन, स्व का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, धर्म का, किसी भी प्रकार का अगर हम परिवर्तन देखें या जीवन में कुछ भी श्रेष्ठ कार्य करना हो, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार पवित्रता है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो रक्षाबंधन है, ये पवित्र बंधन तभी कहते हैं क्योंकि ये पवित्रता का सूचक है। और जो मानव अपने मन, वचन और कर्म में संपूर्ण रूप की पवित्रता, परमात्मा के प्रति समर्पणता को धारण करता है, तो परमात्मा कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए बंधा हुआ हूँ, समय पर मैं भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसीलिए इस त्यौहार को, आपको पता है, एक और नाम भी देते हैं, विश्व तोड़क। जब हम विषय विकारों से अपना नाता तोड़ देते हैं,
उस घोर अंधकार से इस रोशनी में आ जाते हैं कि हे आत्मन, ये जो तिलक लगाया कि तुम हो ही पवित्र, तुम हो ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्तिशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा की अनन्य रचना हो। तो जब हम इन विषय विकारों से नाता तोड़ते हैं, आज आप देखिए दुनिया में इन विषय विकारों के कारण ही दुख और अशांति है, बिन असमय लोगों की मृत्यु हो रही है, क्रोध आया वहीं पर उसका कत्लेआम हो जाता है। तो परमात्मा लोभ आया, लोभ के कारण कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो इसलिए रक्षा तो आज सभी को चाहिए, खाली बहन को रक्षा नहीं चाहिए, हर आत्मा को स्वरक्षा चाहिए। तो ये जो दिव्य गुण हैं, ये जो हमारे जीवन में विशेषताएं हैं, श्रेष्ठताएं हैं, ये हमको इन सब से बचाती हैं, हमारी आत्मा की रक्षा करती हैं। और जैसे आपने बोला कि इसको विष तोड़क कहा जाता है, तो इसको मैंने कहीं पढ़ा कि इसको पुण्य प्रदाय भी कहते हैं। यस, विष तोड़ा और उसका पुण्य का फल हमको जन्म जन्मांतर प्राप्त होता है। जैसे मोनिका ने बताया कि द्रौपदी को एक जन्म नहीं, 21 जन्मों का उसको साड़ियाँ पहनाई। अब साड़ियाँ कोई ये साड़ी थोड़ी पहनाई थी, वास्तव में हमको इतना सुंदर जीवन प्राप्त होता है। बहुत ही मज़ेदार, जैसे आप तो रहस्य एक के बाद एक जैसे रहस्य खोलते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ अभी आपने मुझे बहुत बढ़िया बर्फ़ी भी खिलाई और अलग अलग प्रकार का, तो मेरा राखी में तो ध्यान नहीं था, मैं तो देख रहा था कि मुझे क्या खाने को मिलेगा। तो इस मिठाई का भी कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या मोनिका? वास्तव में मिठाई प्रतीक है मिठास का, हमारे संस्कारों में मिठास, हमारी वाणी में मिठास, माधुर्य जिसको कहा जाता है। तो भगवान जब हमसे ये पवित्रता का सूचक राखी बंधवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ये सिंपल बात है समझने की कि सिर्फ शारीरिक पवित्रता नहीं, बट वास्तव में जब हमारा मन इतना पावन हो जाता है कि हम किसी के प्रति नेगेटिव सोचते ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा पॉजिटिव मन, एक ऐसा सकारात्मक मन कैसे संकल्प उत्पन्न करेगा जो पावन संकल्प हैं, और उसके मुख से भी ऑटोमेटिकली मिठास ही निकलेगी। तो जीवन ही मिठास से भर देता है। तभी कहा जाता है भाई गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो करो। तो भगवान कहता है कि बच्चे आजकल तो वैसे भी आप देखो कि लोग मीठा खा ही नहीं सकते क्योंकि इतनी सारी एलिमेंट्स आ गई हैं, बट भगवान ये कहता है कि बच्चे स्पीक स्वीट, ये तो बी स्वीट एंड स्पीक स्वीट। जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखते हैं, उसके प्रति अच्छे मीठे संकल्प उत्पन्न करते हैं और उससे मीठा बोलते भी हैं, व्यवहार भी हम मीठा करते हैं, तो हम उसको बहुत सुकून देते हैं, उसको उसके कष्ट को हम बहुत हल्का कर देते हैं। तो इसलिए मुख भी मीठा कराना है, ऐसा नहीं कि केवल मीठा हम सोचें, मुख भी मीठा कराएं और साथ में मन के भी संकल्प हम लोग अच्छे हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए और पावन चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। देखो बात तो ये है कि ये बातें तो सब मन की थी, सूक्ष्म इसका रूप था हर त्योहार का जी, लेकिन कालांतर में समय पास होते होते वो एक स्थूलता में आ गया और आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर चीज़ में जल्दी जल्दी करके उसको एक बहुत ही हमने एक स्थूल सा रूप दे दिया। कहीं ना कहीं ये बात आपने बहुत ही उचित बोली है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि पुराने ज़माने में कोई ऐसी इतनी प्रक्रियाएं या इतना कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में बहन भी भाग रही होगी, भाई भी भाग रहा होगा और चिंतन ये होगा कि हमें उसे क्या देना है, हमें उससे क्या लेना है, उसने क्या दिया, मैंने क्या लिया उससे। और इन भावनाओं में कहीं ना कहीं इसकी जो प्योरिटी है फेस्टिवल की, इसके पीछे जो एसेंस है, उसको भी हम खो बैठते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि इस हम कहें कोरोना काल में या इस महामारी ने जब हमारे संपूर्ण विश्व पर बहुत बड़ा प्रहार किया है, तो कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि क्या भाई इस बारी राखी नहीं मिलेगी। कोई तो लोग बोल रहे थे कि क्यों कोरोना जी, आप आए तो होली पर हैं, क्या दिवाली पर जाएंगे, थोड़ा जल्दी चले जाइए ताकि हम लोग अपने फेस्टिवल्स को मना पाएं। लेकिन अगर देखा जाए कि हम इसको सात्विकता से मनाएं, सत्यता से मनाएं, मन की शुद्ध भावनाओं से मनाएं, तो हम घर रहते हुए भी उसको बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। मन की बात, यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि सकारात्मक भावना से। आप देखिए कई बारी क्या होता है कि कई भाई बहनों में एक मन मुटाव होता है,
भले स्थूल में साथ भी हैं, राखी बांधने भी आ जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें ऐसी होती हैं कि वो आपके मन में खिंचाव या टकराव कॉन्स्टेंटली पैदा करती हैं। कई बार ये ऐसी छोटी छोटी बातें कि भाई पहले मेरे घर क्यों नहीं आया, या अगर लेट्स से भाई मैरिड है तो पहले वहाँ दूसरों के घर क्यों चला गया, पहले यहाँ, छोटी छोटी बातें जो हम बहुत बड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस त्यौहार का ही जो मूल है प्योरिटी, इस त्यौहार का ही जो मूल है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि प्योरिटी भी कहाँ से आएगी, जब मेरा मन विशाल होगा, जब मेरा मन समाने की शक्ति रखता है, तो जहाँ प्यार है वहाँ समाना और अंडरस्टैंड करना ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आज जब हम मिठाई खाएं और मिठाई खिलाएं भी, तो उसके साथ साथ चार ऐसी बातें या तीन ऐसी बातें कुछ छोड़ भी दें, जो पुरानी बातें हैं जिनको आपने अपने मन में रखा हुआ है, कुछ ना कुछ बातें हम रख कर बैठे हैं, तो मीठा अंदर जाएगा और नेगेटिव बाहर आ जाएगा, उसको समाप्त कर देना है, और तभी इस त्यौहार को मनाने में हमें आनंद भी आएगा। तभी भैया क्या होता है, अक्सर कोई भी त्यौहार हो तो घरों को बहुत सुंदर सजाया भी जाता है, और मैं मानती हूँ कि स्थूल का घर भी सजा लिया, हम खुद भी बहुत सुंदर ड्रेस पहन ली, बट मन को बहुत सुंदर सजाना आवश्यक है। तो मन में जो भी मन मुटाव है, पुरानी बातें हैं, आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फ्री, इससे बढ़िया कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। आज के यदि इस कोरोना काल में मैं कहूँ, तो आज हम सभी ये संकल्प भी लें कि हमारा मन हमेशा शुभ भावनाओं से, श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर रहे। हम एक दूसरे को दुआएं दें, दुआएं लें, न केवल एक भाई बहन के रिश्ते में। आज आप देखिए, हमारे जो रक्षक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो सेवाकर्मी हैं पुलिस के रूप में, या जो भी इस कार्य में आज संलग्न हैं, और जो हम पेरिफेरी में भी घर घर में बैठे हैं, तो आज हम यहाँ बैठे हुए उनके लिए ये रक्षा का सूत्र ज़रूर बांधें। ये संकल्पों का खेल है, न केवल न कि कलाई पर बांधने की बात है। हम इस राखी को इतने बेहद में इस बार मनाएं कि भगवान सबकी रक्षा के लिए बांधा हुआ हो जाए, और हम उन सबके लिए इतनी श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं दें कि घर घर में खुशहाली आ जाए। जिसके जो भी बीमार हैं, हम भी सबसे रिलेटेड हैं ना, आत्मिक रूप में तो हमारा सारे विश्व से गहरा संबंध। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राखी का जो पर्व है, क्योंकि पवित्रता का सूचक है, तभी कहा जाता है कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ खुशी है, जहाँ पवित्रता है वहाँ आनंद है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ अमरत्व की भी आपको प्राप्ति होती है। मोहित, वो कहानी तुम्हें याद है अमरत्व में? हाँ, वो यम वाली, हाँ, यम वाली कहानी जरा बताइए आप। यम और यमुना की बहुत सुंदर कहानी है। वास्तव में यमुना का भाई यम था। और बहुत समय हुआ तो यमुना का भाई यम उससे मिलने के लिए नहीं आया। तो यमुना गई गंगा के पास कि भाई देखो मेरा भाई कितने वर्ष हो गए उससे मिलने नहीं आया। तो गंगा गई यम के पास, उसने और उसने 12 वर्ष तपस्या की यमुना ने उससे मिलने के लिए, फिर गंगा ने उसको जाकर बोला। के हाँ। उसको बोला कि भाई तुम्हारी बहन तुम्हारी राह देख रही है। तो यम जब घर गया अपनी बहन से मिलने, तो बहन, क्योंकि भाई आया था इतने सालों के बाद, तो उसने बहुत अच्छा व्यंजन बनाए और 36 प्रकार का भाई के लिए भोजन बनाया। तो यम खुश हो गया, खुश हुआ, बहुत खुश। अभी आप भी बनाइए मेरे लिए। बिल्कुल। तो यम बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बहन को बोला कि बता तुझे क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा कि भैया मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी घर ज़रूर आया करें, या और नहीं तो एटलीस्ट एक बारी साल में ज़रूर आए, राखी के दिन ज़रूर आए। तो जब उसने इतना प्यार भरा बात अपने भाई से कही, तो भाई बहुत खुश हुआ
और खुश होकर के उसने अपनी बहन को अमृतत्व का वरदान दिया कि तू सदा बहती रहेगी, सदा बहती रहेगी। और आज देखा जाए तो यमुना एक ऐसी पावन नदी है जो सदा बहती रहती है। तो इसका भावनात्मक रूप भी यही है कि जब हम परमात्मा के प्रति पवित्र हैं, उसके प्रति निश्चय बुद्धि हैं, समर्पित हैं, तो परमात्मा भी कहता है कि तेरी रक्षा भी मैं करता हूँ और अमृतत्व को भी तू ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि ज्ञान अमृत है, योग अमृत हमको मिलता है, तो ना केवल इस जन्म में लेकिन हमारे अनेकों अनेक जन्मों को परमात्मा जो है वो अमर कर देता है। आपको पता है भैया ये किसका प्रतीक है? ये जो नारियल, नारियल दिखा नारियल मैं पूछने ही वाला था और आप बता दीजिए, अब आपने पूछा तो ये तो मुझे सच में नहीं मालूम कि क्या है, ये बताइए। भैया नारियल को हम श्रीफल भी कहते हैं। तो जब हमने अपने जीवन में ये तिलक लगाया आत्मस्मृति का, हमने ये बंधन बांधा पवित्रता का और अपना मुख मीठा भी किया, तो भगवान भी हमको ये श्रेष्ठ फल देते हैं, खुशियों से हमारा जीवन भर देते हैं। तो ये वास्तव में ये जो नारियल है ये श्री फल अर्थात श्रेष्ठ फल का प्रतीक है। तो केवल स्थूल गिफ्ट की प्राप्ति से ही हमें खुश नहीं होना, यानी स्थूल मिठाई खाकर ही खुश नहीं होना, लेकिन इसका भावनात्मक रूप से जब हम राखी को मनाएंगे, अपने मन में परिवर्तन लाएंगे, अपनी वाणी में परिवर्तन लाएंगे, पवित्रता की राखी बांधेंगे, तो परमात्मा हमको वरदानों से भरपूर कर देगा, हमको श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति का वरदान यानी अमृतत्व का वरदान हमको प्राप्त होगा। ये तो बहुत ही सुंदर और घुए रहस्य आपने आज हमारे सामने खोले, और हम समझते हैं कि आज इतना समय हमको मिला कि हमने बहुत तसल्ली से बैठकर राखी मनाई, उसके रहस्यों को हमने समझा। तो दोस्तों आपने देखा कि जब भी हम राखी मनाएं तो राखी केवल एक तिलक लगाने से ही समाप्त नहीं हो जाती, लेकिन तिलक को जब हम लगाएं, एक बहन एक भाई को तिलक लगाए, एक ब्राह्मण अपने यजमान को तिलक लगाए, तो वो आत्मिक स्मृति का तिलक है, एक ऐसी स्मृति जो हमको याद दिलाती है कि हम पवित्र आत्मा हैं, हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, हम परमपिता परमात्मा की रचना हैं, उसकी संतान हैं। खुशी, शांति, प्यार, पवित्रता, ज्ञान और आनंद हमारे निजी संस्कार हैं। तो जब भी हमको तिलक कोई लगाए तो ये नेचुरल स्मृति हमारे अंदर आनी चाहिए, उत्पन्न होनी चाहिए, अपना स्वरूप, जागता हुआ स्वरूप, जीता हुआ स्वरूप, जीवंत स्वरूप जो है हमारा, हमारे सामने आना चाहिए। जब भी हमको ये राखी बांधी जाए, बंधन बांधा जाए, चाहे वो धागा हो चाहे सुंदर सी राखी हो, लेकिन वो धागा बांधते हुए हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प आए कि हम भी अपने जीवन में मन, वचन और कर्मों से स्वयं के प्रति और परमात्मा के प्रति पवित्र रहेंगे। यदि हम अपने जीवन में रक्षा चाहते हैं तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि उसका आधार है केवल दृढ़ संकल्प पवित्रता का। पवित्रता ही हमारे जीवन में हमको नया दिशा निर्देश दे सकता है, हमारे इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर सकता है, हमारे दुखी जीवन को सुखी में परिवर्तित कर सकता है। तो दृढ़ संकल्प करें कि हम भी पवित्र रहेंगे और यही बंधन हम सबको बांधेंगे, बहन भाई को बांधेंगी, ब्राह्मण अपने यजमान को बांधेंगे, लेकिन इस बंधन में सदा हम पक्का बंधन बांधेंगे ताकि ये राखी कोई खोल ना पाए हमारे मन से। और तीसरा दोस्तों, हम जब मुख में मिठाई ग्रहण करें तो ये भी संकल्प लें कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म हर एक को सुखदायी हों, हर एक के मन को सुख देने वाले, आनंद देने वाले मीठे वचन हमारे मन से निकले, मीठे संकल्प हमारे मन से निकले, क्योंकि यही मिठास केवल हमारे जीवन को ही नहीं लेकिन हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे विश्व को भी परिवर्तन करने के निमित्त बनेगी। जहाँ सब तरफ आज दुख सर्वव्यापी है, तो अगर हम सुख की एक छोटी सी बूंद भी, एक अंचली भी हम अपने मन, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा यदि हम विश्व में डालते हैं, तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा के वरदानों से हम भरपूर हो जाएंगे। और अगर हम एक दूसरे को गिफ्ट दें तो भले आप स्थूल गिफ्ट दें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन की शुभ भावनाएँ, अपने मन की शुभ कामनाएँ भी हम ज़रूर दें। और दोस्तों ऐसी सच्ची राखी आज जब हम मनाना चाहते हैं तो आज हम कुछ प्रतिज्ञाएं भी करेंगे। ऐसा मन बनाने का क्या विधि है? वो मेडिटेशन, राजयोग का मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जो हमारे मन को परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करता है। वो बताता है इस शरीर में रहने वाली हम एक आत्मा हैं, हम एक स्पिरिट हैं,
हम एक साइकी हैं, कॉन्शियसनेस हैं, जो भी हम उसको नाम देना चाहें। और दोस्तों, जब हम परमपिता परमात्मा को याद करना चाहते हैं तो उसको शरीर के रूप से याद करना हमारा सामर्थ्य नहीं है। अपने आप को आत्मिक स्मृति में टिकाकर उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना ही राजयोग मेडिटेशन है। तो आइए, आज ऐसी ही एक पवित्र कन्या को, हमारी पवित्र बहन को हम आमंत्रित करते हैं, जो आज हमसे बहुत सुंदर कुछ दृढ़ संकल्प भी कराएंगी और हमको राजयोग मेडिटेशन के विषय में भी कुछ ज्ञान देंगी। ओम शांति। तो चलिए, आज हम वास्तविक रक्षाबंधन मनाएंगे और अपने मन को कुछ प्रतिज्ञाओं के बंधन में बांधेंगे। एक ऐसा बंधन जो सदैव मेरी रक्षा करता रहेगा। मैं कुछ संकल्प आपको देती हूं, उस संकल्प को आप अपने मन में दोहराते जाएं। पहला संकल्प धारण करें, मैं सदा अपने मस्तक पर सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों का चंदन लगाकर रखूंगा। दूसरा संकल्प, मैं सदैव अपनी वाणी में मधुरता की मिठास को धारण करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं आज से अपने हस्तों को शुभ कर्मों के बंधन में बांधता हूं और सदैव इन हस्तों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रेरित रहूंगा। चौथा संकल्प, मैं सदैव परम पिता परमात्मा को अपने मात पिता, बंधु सखा और रक्षक के रूप में अपने साथ रखूंगा। ये संकल्पों की गांठ, जिसे बार बार आप अपने मन में दोहराते रहे। और अब कुछ क्षणों के लिए आप जिस स्थान पर हैं वहां पर ही स्थिर होकर के बैठ जाए, क्योंकि एक सुंदर सी हम आध्यात्मिक जर्नी करेंगे, यात्रा करेंगे। यह श्रेष्ठ संकल्पों की यात्रा। इस यात्रा के लिए सर्वप्रथम चारों तरफ से आप अपने ध्यान को हटाकर मस्तक के बीच, भ्रकुटी के बीच अपने आप को केंद्रित करें और अनुभव करें, मैं एक चमकता हुआ पवित्र दिव्य सितारा हूं, निर्मल बिंदु हूं, चेतना हूं। मेरे मन में श्रेष्ठ संकल्पों का स्पंदन हो रहा है और ये श्रेष्ठ संकल्पों का प्रभामंडल मेरे चारों ओर वातावरण में फैल रहा है। ये शक्तिशाली संकल्प मेरे सुरक्षा कवच है। अब अपने सूक्ष्म नेत्रों से संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देखें।
हर एक आत्मा उस निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है। इन सब आत्माओं को देखकर मेरे मन में भी विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न हो रही है और सबके प्रति यही शुभ भावना उमड़ रही है कि सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और परमात्म छत्र छाया का प्रतिपल अनुभव करते रहें। ऐसी सुंदर अनुभूतियों को हम अपने दिल में संजो कर रखें। ओम शांति। मुझे विश्वास है आप सभी को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप सभी ने ये जो राजयोग का अनुभव किया इसका और अधिक लाभ लेने के लिए आपके नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.brahmakumaris.com। आप अपने नज़दीक के सेवा केंद्र का एड्रेस इस वेबसाइट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और लॉकडाउन खुलने के पश्चात ये सेवाओं का अवश्य लाभ ले सकते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान राजयोग का और गहनतम अभ्यास आप करना चाहें तो प्रभु उपवन की यूट्यूब चैनल पर आप राजयोग मेडिटेशन कोर्स का अवश्य लाभ ले सकते हैं। ओम शांति।